जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं थ्रोट इन्फेक्शन पे, और साथ ही साथ हमारे पोल का सवाल है कि क्या कभी कभी ज़रूरत के तहत छोटा मोटा झूठ बोल लेते हैं आप, हाँ या नहीं। और आप सिचुएशन अपनी मर्जी से आगे बता रहे हैं, विच आई एम रियली लाइकिंग इट। आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं और हमारे पोल का आंसर भी दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जरा भी थ्रोट इन्फेक्शन पर बात करते करते मैं डॉक्टर साहब से पूछूँ। डॉक्टर साहब, आजकल तो वायरल है, वो बैक्टीरियल में चेंज हो सकती है? जी हाँ, वो इनिशियली मेजॉरिटी में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट न की जाए तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है वायरल इन्फेक्शन के बाद और फौरन जो है बैक्टीरिया जो है अटैक कर लेते हैं। तो इसलिए जो है हम कहते हैं उसको बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं, हम खा रहे हैं? बैक्टीरिया भी हवा में होते हैं, वो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस अगर थोड़ा सा लो हो गया तो वो उनको जो है, क्योंकि बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हर वक्त आप बचे रहते हैं, लेकिन जब आपका डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो फिर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो फिर वो ज़रूरत पड़ती है एंटीबायोटिक की। अच्छा, अब डॉक्टर साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिफरेंशिएट के वायरल है बैक्टीरियल है? देखिए, दे आर डिफरेंट फीचर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि शुड यू स्टार्ट एन एंटीबायोटिक और यू शुड नॉट। एग्जैक्टली, नॉट ओनली फ्रॉम द पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि किस मरीज को मुझे एंटीबायोटिक देनी है, किसको नहीं देनी। इससे बेसिकली इट स्टार्ट्स के क्या शहर में इस वक्त वायरल फैला हुआ है। अगर वायरल फैला हुआ है तो प्रॉबिलिटी यही ज़्यादा है कि ये वायरल होगा, लेकिन अगर किसी ऐसे सीजन में पेशेंट आता है जब वायरस नहीं है, तो फिर प्रॉबिलिटी ये कि बैक्टीरियल होगा। दूसरी बात यह कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर अमूमन टॉन्सिल्स में पस वगैरह नहीं बनता, ठीक है, फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड नहीं होता, ठीक है, लेकिन माइल्जिया यानी बॉडी में जिसम में दर्द, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है वायरल इन्फेक्शन के अंदर, और फीवर जो है वो बहुत हाई ग्रेड नहीं जाता, शिवरिंग वगैरह, शिवरिंग नहीं होता, लेकिन जब बैक्टीरियल बैक्टीरियल में हाई ग्रेड हो सकता है, पस पड़ जाता है टॉन्सिल में। अगर आप मुँह खोल कर देखें तो आपको पस के येलो स्पॉट्स नज़र आएंगे, और पेशेंट को जो है माइल्जियाज वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते जितना कि वायरल में होते हैं। तो अगर आपको पेशेंट ऐसा मिला है जिसको कि पस पड़ा हुआ है थ्रोट के अंदर, या पेशेंट के फीवर बहुत हाई ग्रेड है, या वो ऐसा पेशेंट है जिसको कि सीजनल नहीं है वायरल का, तो देन वी नो दैट ही इज़ अ बैक्टीरियल पेशेंट। हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो ऐड कि बहुत सारे मरीजों को बार बार टॉन्सिलाइटिस की वजह से किडनी इन्फेक्शन हो जाते हैं, हार्ट वाल्व डैमेज हो जाता है, या जॉइंट पेन्स होते हैं जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, रूमेटिक फीवर हो जाता है। जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं और हिस्ट्री वो देते हैं कि जी मुझे रूमेटिक फीवर था और अब मेरा गला फिर ख़राब हुआ है, तो इस ख़तरे से कि ये दोबारा हार्ट को या किडनी को डैमेज ना करे, हम रिस्क नहीं लेते और इन पेशेंट्स को हम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, ताकि अगर ये खुदा ना खास्ता बैक्टीरियल है तो दोबारा इसको डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत छोटे बच्चों में जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम है, या बहुत बूढ़े लोगों में, या वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं यानी जिनके अंदर किसी भी वजह से इम्यूनिटी लो है, एज की वजह से या किसी और बीमारी से, किसी को कैंसर भी है या हेपेटाइटिस है या कोई और बीमारी है जिससे इम्यूनिटी लो है, तो ऐसे पेशेंट्स भी अगर आते हैं एंड वी थिंक दैट इट कुड बी अ वायरल, लेकिन अगर एक दो दिन में ठीक नहीं हो रहा, हम ऑन द सेफर साइड एंटीबायोटिक दे देते हैं, बिकॉज ये वो पेशेंट हैं जो वल्नरेबल हैं कि ये बढ़कर ज़्यादा खतरनाक सूरत अगर खुदा न खास्ता बैक्टीरियल हो जाए तो निमोनिया हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए। सो दीज आर द कंडीशंस व्हेन यू डिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। ठीक है सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस अजमल। मिसेस अजमल, कैसी हैं आप? हां, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, हमारे आप बहुत पिंकी लग रही हैं। हां, तो कभी-कभी लगना चाहिए ना। बाकी कपड़ों का भी इफेक्ट होता है ना? किस पे इफेक्ट होता है? कपड़ों का इफेक्ट। कपड़ों का इफेक्ट, ओहो, रिफ्लेक्शंस। अच्छा जी, मिस्टर अजमल, हमारे पोल का जवाब दीजिए। हाँ जी, पोल का जवाब ये है कि मैं भी कभी कभी ना मसलियतन झूठ बोल लेती हूँ। कौन सी मसलियत होती है? हाँ, मिसाल के तौर पे जैसे आपको पता है मेरे बेटे का, हाँ जी, तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक ना हो या वो पैसे की डिमांड कर रहा हो, तो इसको कहती हूँ कि तुम्हारे अब्बू का फोन आया था। अच्छा। मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, अपने मियाँ से कहती हूँ कि इसको समझाएं और फोन करें घर पे ना। मैं कोशिश करती हूँ सच झूठ हो जाए, झूठ झूठ अच्छा। सच हो जाए, झूठ झूठ जो है सच में चेंज हो जाए। हाँ। मतलब झूठ बोल के आप फील करती कि अब मैं इसको सच में चेंज कर दूँ। हाँ, अब बेचैनी होती रहती है, मैं कभी कोशिश करती हूँ झूठ ना। अच्छा, झूठ बोल के बेचैनी भी होती है वैसे?
हाँ हाँ मुझे तो होती है। ठीक है जी, वैसे कुछ कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये दोनों डॉक्टर्स को भी सलाम। दोनों डॉक्टर्स को भी सलाम है जी। अच्छा, इनसे सवाल करना था कि मेरे मियाँ को ना जुकाम रहता है। अच्छा, तो क्या ये भी थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से होता है? लेकिन वो तो कहते हैं कि जब से शादी हुई है जुकाम है। वो शादी से एलर्जिक थे। लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो जुकाम नहीं है। चले जी, हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा ठीक है। अब ऐसे एक पोल ये भी होना चाहिए कि बीवी या टीवी। बड़ा मजा आएगा जी, रखेंगे वाला भी। हाँ। जब मतलब घर आते हैं मियां लोग तो वो मतलब टीवी को प्रेफर करते हैं या बीवी से बात करना प्रेफर करते हैं? ये भी है पॉइंट। चले जी, रखेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉल है जी साथ साथ, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी गुड हेल्दी मॉर्निंग साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हाँ जी, पोल का जवाब, पोल का जवाब। मतलब जहाँ तक जीत के जीत ही होता है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। फंस गए सिचुएशन में, निकल नहीं सकते। एहसास होता है कि जीत ही बोला है, तो ये थोड़ा ये है कि किसी की दिलाजारी ना हो, दिल आजारी ना, लेकिन पहुंचे अच्छा नहीं है कि झूठ बोला जाए। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर लोग कैसे कर जाते हैं गलत काम, है ना? उसको बस एक तरह से वो एंटरटेनमेंट के लिहाज से होता है कि बस हम बोल दिया, बस एक वक्त गुजार लिया, बस मजाक में हो जाता है, ये वो सही नहीं है। अच्छा अच्छा जी, अभी सब क्या पूछना चाहेंगे? मतलब ये इसका है कि अक्सर बच्चों का गला जो खराब हो जाता है, और उसमें जो है वो ये टॉफीज कैंडीज वगैरह ये वो खाते हैं, उनकी वजह से। तो फिर बच्चों के खाने के हिसाब से इनको क्या देना चाहिए, मकसद के कि क्या होना चाहिए? चल जाए साहब, हम बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अल्लाह। सबसे पहले जी मिसेज अजमल के हस्बैंड का सवाल कि उनको सारा साल जो है रहता ही है जुकाम ही रहता है हमेशा से, और शादी के बाद से शुरू हुआ है फॉर सम रीजन। वो एक टाइम पीरियड होगा जिसका वो रेफरेंस देते होंगे प्रॉब्ली। सर ये क्या हो सकता है? मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि कोई और सिम्टम तो उन्होंने नहीं बताया कि बुखार है या अपीयर्स टू बी एन एलर्जिक राइनाइटिस। एग्जैक्टली, जो कि कराची में हम इसे पेरिनियल राइनाइटिस कहते हैं, जो सारा साल रहता है। एक सीजनल राइनाइटिस होता है जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। कराची में क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से है तो सारा साल एनवायरमेंट ख़राब है, तो ये पेरिनियल राइनाइटिस होता है। इस्लामाबाद वगैरह में एक पर्टिकुलर सीजन में होता है तो सीजनल राइनाइटिस है। आई थिंक शादी से कोइंसिडेंस है, और तो आई डोंट वांट टू से कि ही इज एलर्जिक टू हिज वाइफ, लेकिन ये कि आई थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि उस वक्त से शुरू होती है। अच्छा मिस्टर जमाल, प्लीज ऐसे दिल पे लेके नहीं जाए, वो सिर्फ उस एरा के वक्त का वो बताते हैं कि तब से उन्हें शुरू हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, इनका सवाल कि बच्चों को टॉफियां कैंडी ये सब चीजें देने से उनका गला खराब हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है, इसलिए कि तो खाने की चीज है, इसलिए कि वो कुछ टॉफियाँ या वो कोई चीज़ें जो आजकल आ रही हैं उनकी पैकिंग या उनके बनाने का जो है वो हाइजीनिक वे है या नहीं है, आई डोंट नो, कि मैं इस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि एक्सेसिव अगर स्वीट्स या एक्सेसिव वो खाते हैं तो वो जो है नॉर्मल जो है सलाइवा में या नॉर्मल हमारे जो है बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी असर पड़ता है, उसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा इरिटेशन शुरू हो जाती है, इरिटेशन की वजह से जो है सोर थ्रोट हो जाता है। ओके ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मेरे जहन में बार बार एक सवाल आ रहा है, गला ख़राब है तो आइसक्रीम मत खाओ, या आइसक्रीम मत खाओ गला ख़राब हो जाएगा, ये क्या रीज़न है? देखिए ये बड़ा चुपता हुआ सवाल है, बहुत ज़्यादा। आइसक्रीम मत खाओ और खट्टी चीज़ें मत खाओ, खट्टी चीज़ें मत खाओ सही। देखिए अब इसके अंदर बात यह है कि इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, हमारे मुल्क में सब कॉन्टिनेंट में हम लोगों को मना करते हैं कि ख़राब गले में आप ठंडी खट्टी चीज़ मत लें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप ठंडी चीज़ लेते हैं तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोटेक्टिव WBC है या जो बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो उस एरिया तक नहीं पहुंच पाता जहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, या क्योंकि खून के जरिए जाना ऑलरेडी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने अगर ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ ली तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वो नहीं पहुँचते। तो बैक्टीरिया को फाइट करने वाली चीज़ें वहाँ नहीं पहुँचती जिसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं, नतीजतन बैक्टीरिया को फ्री हैंड मिलते हैं और वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं। खटास ये करती है कि वो आपका pH चेंज कर देती है, pH चेंज करने से वो pH बैक्टीरियल ग्रोथ के फेवर में हो जाता है और बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं।
लेकिन इसके बाद मैं ये कहूँगा कि बाहर के मुल्कों में इस पर बिल्कुल वो नहीं कहते, वो कहते हैं जी आप ठंडा भी लीजिए आप खट्टा भी लीजिए, इससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक एक्सपीरियंस की बात है हमारा, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर पाकिस्तान में यही है। और सर वो गले के अराउंड में एक मफलर लपेट के रखना भी एक ट्रीटमेंट प्लानिंग का पार्ट आता है जी। बेसिकली उसमें यही होता है कि जी आप उस चीज़ को वार्म रखना चाहते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है ब्लड वेसल और ब्लड फ्लो उस एरिया में कम हो जाता है, मफलर लपेटने से आप उस एरिया को थ्रोट को थोड़ा सा वार्म रखते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा रहे। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो भी पहुंच जाए ब्लड के थ्रू, आपके अपने बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म जैसे WBCs हैं ये भी पहुँच जाए वहाँ पर और उसको काउंटर कर सके बैक्टीरिया को। ओके, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, आलिया बात कर रही हूँ कराची से। जी आलिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैंने अपना मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा गला, मैं जरा सा भी कोई ये नहीं अगर दही खा लूँ जरा सा भी खट्टा हो तो फौरन ही मुझे, मतलब मैं कोई बाद में थोड़ा सा गरारे वगैरह ना करूँ तो वो पकड़ा रहता है। अभी भी मैं जिस तरह गरारे करके आई हूँ तो मेरे जो साइड में जो ग्लैंड है ना उसमें ऐसा स्लाइवा सा जैसे थिक स्लाइवा है, वो बलगम भी नहीं होती, वो ये क्या चक्कर है, ये क्यों होता है? और हमें गरारे आप ये बताइएगा कि दिन में कितनी दफा करने चाहिए कि या नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाहर डॉक्टर्स कहते हैं कि ज्यादा करने से वो खुश्की आ जाती है गले पे तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो हम जैसे लोग जो खट्टी ठंडी चीज मतलब के हसरत से ही देखते रह जाते हैं और कभी गलती कर जाए तो खुमियाजा भुगतना पड़ता है, तो काइंडली ये बताइए कि फिर एंटी एलर्जीज लेनी चाहिए कि बेटर, तो मतलब आप प्रिवेंशन आप चीजें ना ही लें तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा हमारे पोल का जवाब ही देंगे आप? आप मुझे बताइए, मुझे नहीं सुना नहीं सुना। अच्छा जी, मेरे पोल का सवाल है कि कभी कभी जरूरत के तहत छोटा मोटा झूठ बोल लेती हैं आप? मसलहतन अल्लाह ताला हुक्म देता है, मसलहतन जिसमें मसलहतन हो, अदरवाइज छोटा मोटा से अगर वो चीज बढ़ भी जाती है ना। हाँ, हम शुरू शुरू में वो मसलहतन बोलते हैं, बाद में कवर अप करने के लिए 10 और झूठ बोलते हैं ना। लेकिन अल्लाह का डर हो तो फिर वो उधर ही स्टॉप कर सकते हैं अपने आप को, अदरवाइज ये है कि मसलहतन अगर आप बोलते हैं तो अल्लाह इजाजत देता है लेकिन मसलहत के तहत, अदरवाइज नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। अच्छा, इनकी क्वेश्चन का आंसर अभी हम छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।